वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का ग्राफ देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यानी 12 जून तक की बात की जाए तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,98,000 तक पहुंच गई है, जिसमें 1,41,842 मामले सक्रिय हैं, जबकि 1,37,195 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 8,498 हो चुकी है। अगर यूपी के जनपद बुलंदशहर की बात की जाए तो जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी कोरोना का संक्रमण यहां भी लगातार जारी है। जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 310 तक पहुंच गई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीजों ने कोरोना को मात दी है। यानी अब कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है, जबकि बुलंदशहर में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की बात की जाए तो बुलंदशहर में 12 जून तक 184 एक्टिव मामले हैं। गौरतलब है कि जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। अगर 12 जून तक की बात की जाए तो सिकंदराबाद में 24 घंटे के अंतर्गत नगर में 13 और देहात क्षेत्र में 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुलावटी में 7, जहांगीराबाद के अमरपुर में 5 और शिकारपुर में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। सिकंदराबाद में अब तक 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अगर जनपद भर की बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के मामले में भी सिकंदराबाद सबसे पहले नंबर पर आता है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।